ओम नमस्ते राम राम जी। हमारे भारत देश में पावरफुल शक्तिशाली देसी दंड बने हुए हैं और ये सब दंड शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल मजबूत बनाते हैं अगर इन दंडों को सही नियमों के साथ लगाया जाए। पहले के समय में कोई जिम नहीं होती थी, कोई मशीन नहीं होती थी, तो उस समय पहलवान यही दंड लगाते थे और सबसे ताकतवर योद्धा और पहलवान हमारे देश के ही कहलाते थे। इसलिए मैं आपके लिए ये दंड लेकर आता हूँ ताकि भारतीय प्राचीन व्यायाम पद्धति आगे बढ़ सके। इसलिए जितना हो सके इन दंडों को सीखो और लगाओ। ये दंड शरीर को हर तरह से बलशाली बनाने की क्षमता रखते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात वीडियो में, जब दंडों की वीडियो बनाता हूँ, कि भाई आप जिम करके अपनी जो मसल्स डेवलप कर लोगे आर्टिफिशियल से जिम से, वो चली जाएगी जब आप जिम छोड़ दोगे, लेकिन दंडों से जो बॉडी तैयार होती है वो बुढ़ापे तक रहती है, वो शक्ति बुढ़ापे तक रहती है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे दंड के बारे में जो कि शरीर को लड़ाकू बना देता है। लड़ाकू शरीर का मतलब होता है कि आप इतने मजबूत हो जाओगे अंदर से भी और बाहर से भी कि आप हर स्थिति में लड़ने के लिए किसी से भी तैयार रहोगे। जो दंड मैं आपको बताने वाला हूँ, इस दंड से वो सब चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होगी जो कि एक फाइटर को चाहिए होती है। एक लड़ाकू फाइटर शरीर का निर्माण होगा आपका। मैं बात कर रहा हूँ मिश्र दंड की, एक ऐसा दंड जो कि भारतीय योद्धा और पहलवान लगाते आए हैं प्राचीन समय से और आज भी इसको लगाते हैं। एक ऐसा तरीका इस दंड को लगाने का मैं बताने वाला हूँ कि आप दो चार दिन में ही आपको अपने शरीर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपके अंदर फुर्ती आ जाएगी, ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी और सबसे खास चीज़ इस दंड से आपका दिल जिगर एकदम मजबूत बन जाएगा, जिसकी फाइटर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे लगाना है और क्या क्या काम करेगा ये दंड, ये सब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिश्र दंड कैसे लगाए। तो भाई इस तरह हो सके तो दो प्लेट आप नीचे रख लो जैसे मैंने रखी है, क्योंकि ईंटें ज़्यादा ऊंची हो जाती है। ये प्लेट इस तरह सही रहेगी और अपने हाथ इस तरह बंद कर लेने हैं, बंद बिल्कुल, उंगलियां बिल्कुल बंद कर लेनी है और सांस भर के इस तरह लगाना है एक दंड और फिर पीछे जाना है, इस तरह बैठ जाना है जैसे आप देख रहे हो बैठना है और फिर इस तरह से ये दंड लगाए जाते हैं जिसको बोला जाता है मिश्र दंड। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रहे, कुंभक के साथ सांस भरकर ये दंड लगाए जाते हैं। सांस भरकर एक दंड लगाना है और पीछे जब आप बैठते हो फिर ऐसे सांस छोड़ देना है। जब आप पीछे आते हो तो सांस छोड़ देना है, भरकर दोबारा एक दंड लगाना है दोबारा से, और हाथ नहीं उठाने जमीन से, हाथ जमीन पर ही रहेंगे। इस तरह पूरा प्रोसेस रहेगा मिश्र दंड का। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है मिश्र दंड लगाने का, इस तरह बैठ कर पहले हिंदू दंड लगाए और फिर दोबारा से पीछे बैठ जाए। इससे इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा नीचे से होकर ऊपर जाना होता है हिंदू दंड की तरह। इस तरह एक हिंदू दंड लगाना है, पीछे बैठ जाना है, हिंदू दंड लगाना है, पीछे बैठ जाना है, सांस भरकर कुंभक के साथ। जब आप इन दोनों तरीकों से अभ्यास करोगे इस दंड का तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर आपने पहले कभी नहीं लगाया। इस दंड को आप एक दिन छोड़कर लगा सकते हो, अच्छा रहेगा। खैर अब जान लो कि ये दंड काम कैसे करेगा बॉडी में। देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस दंड से भुजाओं की शक्ति बहुत लगती है। अब फाइट करने के लिए जैसे कि पहलवानों को भुजाओं में ताकत चाहिए होती है, फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भुजाओं में ताकत चाहिए होती है। जिस हिसाब से उसी हिसाब से दंड बना हुआ है, जिस हिसाब से पहलवानों को ताकत चाहिए होती है भुजाओं में, इसलिए पहलवान बहुत अधिक मात्रा में इस दंड को लगाते हैं, हजारों की संख्या में इस दंड को लगाते हैं, क्योंकि इस दंड से भुजाओं में बल आता है, जान आती है। इस दंड को जब आप लगाओगे तो सांस फूलेगी आपकी, लेकिन जैसे जैसे स्टैमिना बन जाएगा तो आपके जिगर और दिल का बल बढ़ जाएगा, विकास होगा बढ़िया, आप डरना भूल जाओगे, शेर की तरह जिगरा हो जाएगा आपका। एक चीज़ ध्यान रहे, इस दंड को अगर आप लगाओगे तो भाई सबसे ज़रूरी है कि आप वजन रक्षा करो, सेक्सुअल एनर्जी की रक्षा करो, क्योंकि इस दंड के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा ही आप मास्टरबेट करके निकाल दोगे तो भाई स्टैमिना ताकत कैसे लेकर आओगे इस दंड को लगाने के लिए। इस दंड से स्टैमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स की क्वालिटी बढ़ेगी, शरीर की सफाई होगी, अंदर से बल बढ़ेगा। इस तरह इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए अगर, तो ये दंड एक तरह से लड़ाकू शरीर बनाएगा, मजबूत शरीर बनाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहाँ पर ये आएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस दंड को लगाने के लिए ऊर्जा बहुत अधिक लगती है, स्पीड फुर्ती बहुत लगती है, और भाई मतलब इस दंड से वजन भी घट सकता है अगर आपकी डाइट कैलोरीज अच्छी नहीं होगी। अगर आप हाई कैलोरीज ले रहे हो, प्रोटीन ज़बरदस्त बढ़िया, आपका टेस्टो बढ़िया है, अच्छा है, तो भाई आपकी मसल्स गेन भी होगी इस दंड से। आप कैलोरीज अच्छी नहीं ले रहे, आपका टेस्टो अच्छा बढ़ा हुआ नहीं है, तो भाई ये दंड आपका वजन ही नहीं बढ़ने देगा, घटाता चला जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप एक ऐसी डाइट लो दिन में जो कि आपकी मसल्स को गेन करे, जिसमें प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, टेस्टो हार्मोन बढ़े, जिस डाइट से आपकी बॉडी में लगे जो डाइट, उस हिसाब की डाइट अगर आपको बनवानी है तो भाई एक्सपर्ट है मेरे, जिसमें क्या है कि आपको आपकी बॉडी की डिटेल देकर आप अपनी डाइट बनवा सकते हैं, ठीक है।
तो उसमें आपको हर एक चीज़ नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान लिया जाएगा, ताकत शक्ति बढ़ाने के लिए टिप्स दिए जाएंगे, पूरा एक कोर्स दिया जाएगा जिसका प्राइस रहेगा 599। बाकी मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करें, उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी ये थे भाई इन नर्डों के फ़ायदे। बाकी डाइट का जो मैंने बताया ये ध्यान रखें और एक एक दिन छोड़ कर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लगा सकते हो, शुरुआत में लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अगली वीडियो किस पर चाहे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।